निवसति हृदयेषां श्रीहरे भक्ति रे हरि रपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशन्ति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते इस संपूर्ण विश्व में धन्य वही है जिसने इस रस को पिया है, इस कथा रूपी रस में अपने जीवन को डुबाया है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य, ऐसी भगवान की कथा। सनकादि ऋषि कहते हैं महाराज जाओ, ज्ञान वैराग को अगर थोड़ा आपको संभालना है तो उनके लिए कथा का आयोजन कराओ। आगे नारद जी और कथा हुई प्रथम भागवत ऋषिकेश में, आनंद नामक एक घाट है, उस घाट पर श्री सनकादि ऋषियों ने कथा आरंभ करी और उस कथा में देवी भक्ति आई श्रोता बनकर के। आ तो गई लेकिन देवी भक्ति ने पूछा कि नारद जी आप बताइए, कोई भी मुख्य व्यक्ति आए तो उसके लिए थोड़ा आसन वासन बिछाया जाता है उसके सम्मान के लिए, तो देवी भक्ति ने पूछा आप मुझे बताइए मैं कहाँ बैठूं, आपने मेरे लिए तो कहीं व्यवस्था बनाई नहीं रखी, कहीं भी ना कोई आसन है ना कोई गद्दा लगाया, फिर मैं कहाँ बैठूं। नारद जी ने कहा देवी मैंने सोच समझ के किया, आपको कहीं बैठने की जरूरत नहीं, आप एक काम करिए, निरंतरम वैष्णव मानसानि, ये जितने भी अपना घर बार छोड़ कर के आए हैं ना कथा सुनने के लिए, ये जितने भी बैठे हैं, आप जाकर के इन सबके दिल में बैठ जाइए, इससे अच्छा स्थान इनके लिए और आपके लिए और क्या हो सकता है। देवी भक्ति ने कृपा की और जितने श्रोता आए सबके हृदय में भक्ति जाकर के बैठ गई। आप भी आज जो यहाँ आए हो ना, आपके हृदय में बैठी भक्ति आपको यहाँ खींच करके लाई है, धक्के दे दे के लाई है। शरीर तो सोच रहा होगा रे क्या जाना, वही तो कथा है, वही तो भागवत है, कितनी बार सुनेंगे, और वैसे भी संस्कार पे लाए वारी घर बैठे बैठे सुनेंगे, बढ़िया सोफे पे आराम से चकाचक बीच में कॉफी चलती रहेगी, थोड़ा अगर मौसम अच्छा है तो भजिया मिल जाए गरम गरम, खाखरा मिल जाए, भजिया चाय खाएंगे और सुनते रहेंगे। ऐसे भी कथा में जाएंगे कहाँ जगह मिलेगी, पता नहीं ऊपर बैठने की मिलेगी नहीं मिलेगी, कुर्सी होगी कि नहीं होगी, ये शरीर बहाने खोजता है कथा से बचने का, ये शरीर की आदत है, इसी शरीर को पाउंड गिनने बिठा दो, देखो कितने मजे से गिनेगा, आराम से इतना ध्यान एकाग्रत होगा कि आप कहीं कोई गलती नहीं हो जाए, एक नोट छूट नहीं जाए, धन के लिए। लेकिन वही कथा के लिए तो 3 घंटे में भी ये तन बार बार बड़े ड्रामा करता, अच्छा आप दुख गया अब थोड़ा पैर ऊपर कर लिया जाए, फिर अब की बार कमर दुख गई, अब की बार भूख लग गई, अब की बार प्यास लग गई, ये सारे जो नाटक ये शरीर करता है, लेकिन धक्के दे दे करके हृदय में बैठी भक्ति आत्मा हमको यहाँ लेकर के आती है। ऐसा नहीं, कई लोग मुझे मिलने भी आते हैं घर में भले कथा सुनते, पर कई लोग बड़ी श्रद्धा से घर में भी बैठ के कथा सुनते, कई लोग आके बताते कि हम टीवी पर जब कथा आती है तो एकदम बाहर सोफे के नीचे आसन बिछा के 3 घंटे बैठते हैं। एक कहीं किसी गांव में कथा हुई थी भारत में, बिहार या झारखंड कहीं था, तो वहां एक नौजवानी एक लड़का आया, अकेला ही आया, लेकिन उसने आके बताया कि हमारे गांव में हमारे घर में टीवी है और गांव वाले कथा से बड़ा प्रेम करते हैं, तो जब मुझे पता चलता है फेसबुक आदि के माध्यम से कथा आपकी आने वाली है तो मैं सबको गांव में बता देता हूँ, घर के बाहर टीवी लग जाती है, जैसे पहले होता था ना क्रिकेट देखना हो, रामायण आती थी तो सब
बैठ के देखते थे। आप लोगों ने तो वो दिन जरूर देखे होंगे जो भारत में पूर्व में रहे हैं। महाभारत आती थी, शक्तिमान आता था। तो ऐसे ही बोले घर के बाहर टीवी लग जाती है और चालू हो जाती है। सब लोग 3 घंटे बैठ के कथा सुनते हैं, पूरा उसके घर का आंगन भर जाता है। उसने कहा फिर मैं जब कथा विश्राम होती है, कथा में आरती गाई जाती है, तो बोले मैं अपने घर में आरती की थाली का इंतजाम कर देता हूँ, सबको आरती दे देता हूँ। वो फिर सब टीवी की आरती करते, टीवी में जो भागवत जी है उस भागवत जी की आरती करते हैं। फिर आरती हो जाती है, उसके बाद फिर मैं सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद देता हूँ। मानो मंच लगाओ और मंच पर कथा हो रही है और सब बैठ के कथा सुनते। ऐसे भी लोग कथा से इतना प्रेम करते हैं। तो आपको हमको यहाँ कथा भक्ति देवी लेकर के आई कि चलो कथा सुनो, पर हम सब आ गए।